कुछ लोग हैं वो हमें कहते हैं कि आप जो है ना हमें प्रमोट करें, तो हमारे पास जितने भी हैं चैनल वाले हैं हम उनकी वीडियो देखते हैं, तो जब भी इतना व्यूज़ वगैरह आते हैं अगर हम उनकी वीडियो पे नहीं जाएं तो हमारी वीडियो पे नहीं आते, और वो चले भले हम कोई मुसीबत में हैं कोई मुश्किल में है वीडियो बनाते हैं वो तो नाइस माशाल्लाह गुड लेके चले जाते हैं। और जो कुछ एक सिस्टर है तो वो यही कहती है कि आपकी वीडियो कोई देखता है नहीं है, नाइस माशाल्लाह गुड लेके चले जाते हैं। बाकी उनकी बात भी ठीक है और मैं उनकी बात को ना सलाम करता हूँ, वो सही बिल्कुल ही मतलब कि कहती है। तो जैसे कि हमारा चैनल जिस दिन चल पड़ेगा इंशाल्लाह, जिसको हो सके जो भी हमारे साथ शुरू से लेके अब तक जुड़े हुए हैं इंशाल्लाह हम उनको जो है ना प्रमोट करेंगे। अभी तो हमें खुद ही हमें आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है कि हमारा चैनल ऊपर चले जाए, और जिस मुश्किल में हम लोग इस छोटे से घर में फंस के रह रहे हैं, और बताते हुए भी बार बार हमें ये शर्मिंदगी होती है, घर का माहौल भी दिखाते हुए कि अल्लाह पाक हमें इतनी जल्द से जल्द कामयाबी दे ताकि मेरे बच्चे जो है ना इस मुश्किल वक्त से निकल सकें। और हमने बहुत से मैंने बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया है और कर रहा हूँ, और आगे भी मुझे जैसा कि आप लोग सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह जल्द से जल्द कामयाब हो जाऊँगा और बच्चों को भी निकाल सकूँगा और इन बच्चों का भी मुस्तकबिल अच्छा हो सके। जैसे कि एक मेरी बेटी की तालीम नहीं हो सकी और बच्चे मेरे तालीम हासिल करना चाहते हैं, तो उनकी तालीम भी जिस तरह के हालात वगैरह चल रहे हैं हो सकता है इनकी तालीम वगैरह भी रुक जाए, तो मैं अल्लाह पाक से यही दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक मेरे बच्चों की जो है ना तालीम अच्छे से अच्छे करवा दे। और बड़ा वाला बेटा जो है माशाल्लाह उसकी अच्छी तालीम जा रही है, वो अभी 5वीं क्लास में है और वो हमेशा ही फर्स्ट पोजीशन लेके आता है, क्योंकि इंसान के पास जब पैसा हो तो इंसान बच्चों की तालीम अच्छी करवा सकता है। तो मेरे पास पहले भी जब मुश्किलात थी तो मैंने बच्ची को जो है ना गवर्नमेंट के स्कूल में डाला हुआ था, तो उसकी तालीम अच्छी नहीं हो सकी, उसने 2 क्लास पढ़ी थी। और आपको पता है गवर्नमेंट के स्कूल में कुछ में पढ़ाई होती है कुछ में बिल्कुल ही नहीं पढ़ाई नहीं होती, तो मैं काम करता था तो मैंने बच्ची को स्कूल के अंदर डाला हुआ था, और वो बच्चा जो छोटा वाला आसिफ को भी संभालती थी, और हम मियाँ भी जैसे कि बहुत पहले काम करते थे 2010 की बात है, तो आसिफ छोटा होता था तो आसिफ मेरी बेटी के पास होता, मैं फिर काम करके आता था तो आसिफ मेरे पास होता था। ये दोपहर के जो है ना 12 बजे जो है ना ये जो है ना स्कूल चली जाती थी मेरी बेटी और बड़ा वाला बेटा, तो ये स्कूल पढ़ते थे और इनको होती थी 4:30 पता नहीं 5 बजे, 4:30 बजे उठती थी, ये 5 बजे इनको पता नहीं छुट्टी होती थी। बहुत पुरानी बात है, 2010 की 11 की बात है। तो इंसान जो है ना बहुत सारी मुश्किल का सामना होता है, बहुत ऐसी मुश्किल मैंने इतनी काटी है कि इनको अगर मैं हार जाता और जिस तरह का इतनी मुश्किल मैंने काटी है, फिर बच्चों का मुस्तकबिल मुश्किल में फंस जाता, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और इनके साथ चल रहा हूँ, इंशाल्लाह इनको अपनी मंजिल पे खड़ा ही करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हो, ठीक हो? तो जैसा कि जहाँ मेरे बच्चे पढ़ते हैं तो वो उस बाजी ने खाना दिया है और खाना भी अच्छा है, कोरमा भी दिया है और बिरयानी भी दी है। बेटा गर्म कर लो फिर वो भी खा लेते हैं, दोपहर का टाइम हो रहा है, माशाल्लाह बहुत मजे की बिरयानी है। जैसे कि यहाँ पे हमारी बिरयानी हो रही है गरम, जहाँ यहाँ पे हो रहा है कोरमा गरम, कोरमा मेरे ख्याल में गरम हो गया, चूल्हा बंद कर देते हैं। बिरयानी जो है ना अभी हम गरम कर रहे हैं, बिरयानी भी हमारी गरम हो गई है, प्लेटों में निकाल लेते हैं। बिरयानी भी है निकाल, तो अभी चाय भी हमारी पक गई है, तो बेटा चाय निकाल लो क्योंकि आराम नीचे बैठ नहीं रहा, आराम को लेके चाय निकालूंगी तो और हम हाथ लगा देगा तो और हमका हाथ जल जाएगा। और ये रही हमारी बिरयानी, सब लोगों ने खाना खा लिया है, ये ले चाय, आराम की चाय ये रखी, ठंडी हो रही है, हम चाय पीनी है फिल्टर में निकाल के। हाँ इसकी चाय ठंडी कर ले, ये भी पी ले। बहुत गर्म हो रही है, गरम है आ जाएगा, देखती आना तो फुल गरम है, देखो गरम है वो है पीने के लिए, मतलब गिर जाए चाय पी ले, फुकर फुक वो बाहर डाल रहा है, चेक कर रहा है कि ठंडी है कि गरम है, फिल्टर में डालो, फिल्टर में डाले। हाँ ये पानी भी है,
खा लिया है तो अभी चाय पी रहे हैं, चाय पी के फिर बर्तन धोते हैं। और बर्तन भी यहाँ पे बहुत ज्यादा जमा हुआ पड़े हैं। पान चाय पी ले फिर धो ले। अच्छी है चाय, चाय अच्छी है। बस ऐसे पी रहे। अच्छी है चाय, चाय अच्छी है, और पीनी है चाय। जैसे कि चाय वगैरह पी लिया और हम जो है ना झूले में सो गए हैं, तो अभी जो है ना बर्तन वगैरह धो रहे हैं। दोपहर का खाना खाया है, चाय पी है, उसमें बिरयानी गरम पी है, और इसमें हम लोगों ने दाल बनाई है तो इसमें चाय बनाई है। बर्तन भी ज्यादा है। खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। और आसिफ का एलोवेरा जो है ना टूट गया है, तो इसने यहाँ पे आके लगा दिया। ये देखिए अंदर आराम से सो रहा है। गली में देखते हैं बच्चे वगैरह खेल रहे हैं या नहीं। गली में जो है ना सिर्फ दो बच्चे बैठे हुए हैं वो सामने, और इस तरफ भी बच्चे नहीं है। हमारी गली में बिल्कुल ही सन्नाटा होता है, बिल्कुल भी बच्चे नहीं है। वो बच्चे भी भाग गए। ये बर्तन अम्मी ने धोए इतनी देर में। अम्मी सिर्फ इतने बर्तन धुले? हाँ, क्योंकि धूप थी तेज तो हम लोगों ने बर्तन रख दिए थे। बर्तन जो है ना सूख गए, अभी मैंने पानी डाला सब में। और बर्तन सूख जाए ना तो फिर बहुत मुश्किल से धुलते हैं। फौरन धो लेना तो इतनी मुश्किल नहीं होती। धूप आ गई थी तो हम लोगों ने छोड़ दिया था, खाना वाना खाया। गर्मी भी काफी दिन हो गया कराची में, बहुत ज्यादा है। जैसे कि गए हैं धुल, तो अभी जो ना मैं इनको जगह पे रख रही हैं। बर्तन जी थे बहुत ज्यादा, तो कुछ धो के हम लोगों ने पहले रख दिए। और जैसे कि मैं आप लोगों से लूंगा इजाज़त, कल मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर प्यारे बहन भाइयों के साथ लाजमी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।